सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे? मैं भी बहुत बढ़िया, सभी को राम राम। यार सीन ही हो गया आज। एक तो मैं पहले तो जल्दी उठाऊँ कि पता नहीं नींद खुल गई अपने आप ही। एक तो 9 साढ़े 9 बजे उठ गया था। उसके बाद भाई अभी चेक, मैंने जैसे सुबह चेक किया कि मेरा ब्लॉग आया या नहीं आया। भाई ब्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ मेरा आधा। अब 50% अपलोड हुआ, 50% अभी तक हुआ ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे। रात में लगा के सोया था अपलोडिंग पे कि सुबह तक हो जाएगा तो पब्लिश हो जाएगा 8 बजे, पर आया ही नहीं। पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है, वाईफाई स्लो है, क्या है क्या नहीं। पर वाईफाई तो ठीक चल रहा है, पर यूट्यूब का ही कुछ इशू हुआ है मेरा तो लग रहा है। अपलोड ही नहीं हुआ यार आज का ब्लॉग। अब जाके आज लेट अपलोड होएगा, कम से कम 12 बजे तक पब्लिश होगा वो। यार ये तो गलत हो गया सीन। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आ जाएगा, पर ब्लॉग बहुत अच्छा है, देखना ज़रूर सब लोग। अगर जिसने भी नहीं देखा है वाला ब्लॉग, देखना ज़रूर। उसमें मैंने सारी अपनी अचीवमेंट दिखाई है इतने सालों की, जो मेरी मेहनत है, बहुत मेहनत करी है मैंने बचपन से लेके अभी तक, तो सारी चीज़ें उसमें देखना ज़रूर, मैंने दिखाई है। तो चलो भाई थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो भाई तुम्हारे भाई का नाश्ता आ चुका है, और नाश्ते में आज माता ने बनाया है भाई ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मौसम हो रहा है भाई बारिश का थोड़ा सा, तो मम्मी ने कहा बारिश होने से पहले बना दो। तो भाई आ गया ब्रेड पकौड़े, और हेल्थ का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ब्राउन ब्रेड के पकौड़े इतना ध्यान दिया जा रहा है कि पकौड़े हैं पर ब्रेड के तो हैं जो ब्राउन ब्रेड के हैं, पर मैदे वाइट वाली ब्रेड नहीं थी, मैदा नहीं थी, ज़्यादा हो गया ना। चलो भाई ठंडे हो जाएंगे, पहले खा लेता हूँ इसको। आप ब्लॉग इन्जॉय कीजिए, मैं इसको इन्जॉय करता हूँ। सुबह हम सो सॉरी कि नाश्ते का मैंने कुछ व्लॉगिंग ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा, घर में काम कर रहा था। उसके बाद कोई ना कोई आ रहा था मम्मी के पास, तो आज बिज़ी था, खाना भी नहीं खा पाया। इसलिए मम्मी ने भाई छोले चावल बनाए थे, चावल मैंने बनाए थे, छोले मम्मी ने बनाए, तो छोले चावल खाने में खाए हैं भाई। तो अब तुम्हारा भाई नहा धो के हो चुका रेडी जिम जाने के लिए, और आज का वर्कआउट है बाइसेप्स। बहुत बढ़िया सा वर्कआउट करेंगे, बढ़िया पंप करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सरसाइज करें और आराम आराम से करेंगे, देखते हैं बाकी। और सो सॉरी कि लंच मतलब ब्रेकफास्ट के बाद सीधा आपको मैं शाम को मिल रहा हूँ, दिन पूरा स्किप हो गया आज, ब्लॉग कर ही नहीं पाया, मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाया, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था मम्मी के पास, इस वजह से तो खातिरदारी में लग रहे थे, इस वजह से हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो अब आपको हम सीधा जिम में मिलते हैं। तुम्हारा भाई जिम पहुंच चुका है, और आज करेंगे, आज का वर्कआउट है बाइसेप्स, बहुत बढ़िया वाले पंप करने हैं। और ये देखो जबरदस्ती फ्रेम में आ रहे हैं भाई आज, यही बनाने मेरे पास बढ़िया वाले, मेरे सेक्सी है ना। अरे ऐसे नहीं, शिष्य में, हाँ शिष्य में बड़े दिखता ना क्योंकि बेल्ट। ये बस ऐसे ही दिखाने आज मेरे को ना यार, ये पोज दिखा दो बस, जब यार आनंद भाई कब बनेगी हमारी, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी भाई, इनकी गर्लफ्रेंड बनवा दो यार कोई भाई, कॉन्टेक्ट नंबर आईडी डी सब दे दूंगा, कोई बंदी फंसवा दो इनसे तो भाई वार्म अप हो चुका है बाइसेप्स का, अब पहला सेट लेंगे इजी कर्ल का, दिखाना जरा पंप, वार्म अप में पंप देख लो भाई, ऐसे नहीं ढंग से दिखाओ, ये जबरदस्ती क्यों भाई, हमारी दिखने दो, दिखाना सानी साहब पंप दिखाओ ऐसे, अरे ऐसे करके, ये आज ना खून तोड़ देंगे तो पहला सेट करेंगे भाई इजी कर, उसके 4 सेट लेंगे 12 15 15 के, आदत हो रही यार तू ऐसा करने की। मैं यार बाबा कर नहीं रहा तू, कर यार कर पंप तो दिखा, चला पंप तो दिखा कितना आया, ये दोनों वीडियो नहीं बनने दे रहे मेरी, ये जल रहे मेरे से कि मेरी वीडियो अच्छी क्यों बन जाए बस, है देखो गायब हो गए दोनों, डोला नहीं दिखाओ आज, आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें पंप करके, दिखा दिखाओ, मैं नहीं दिखा रहा, चलो बारह रेपिटेशन ही मेरे से दुश्मनी है मतलब चलो बारह, ए डोला
अलग ही आ गया बाहर को ये भाई। इजी इजी कॉल हो गई है, सिंपल डंबल करेंगे इसके में 4 से 5 सेट करें भाई। अब सिंपल डंबल करेंगे 4 सेट 15-15 रेपिटेशन के। चलो सर साहब 10 का डंबल डालो 15 रेपिटेशन से। कह रहा था गर्लफ्रेंड पटवा दो और खुद देखो बात तो मैं लगा हुआ। अभी सेटिंग का फोन होगा जरूर। किसका फोन है? किसका? भाभी का फोन है ना? भाभी का फोन नहीं है फ्रेंड। दिखाइयो। हाँ दिखाओ, नाम दिखाओ, नंबर आ जाएगा भाई। इसकी इनकी गर्लफ्रेंड है, कोई चक्कर में मत पड़ना लड़की देख के। मैं भी सिंगल हूँ। प्रियांशु भी सिंगल है? सिंगल है ना प्रियांशु? कितनी है? झूठ बोल रहा, सिंगल है साला। उधर उधर तुम करो, उधर मैं ऐसे करता हूं। हां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुमार से बोले हैं सच में। नाप लो, आओ नाप लो। इजी डंबल हो गए और पंप देखो। अब करेंगे स्पाइडर कर्ल, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वाली एक्सरसाइज है भाई। पसंद नहीं है ना तुम्हें ये बिल्कुल भी? तो भाई अभी करें कॉन्सेंट्रेट डंबल करें 4 सेट और पंप देख लो यार गजब। अब करेंगे प्रीचर कर्ल। आ जाओ इधर को, जरा दिखाना दिखाना वहीं से ही। अरे गजब गजब आ रहा सैनी भाई, मजाक से ठीक है। हमारी कब बनेगी पता नहीं भाई। वीर जी कब बनेगी मेरी? मुझे नहीं लगता बनेगी भाई। बन रही है, पहले से बेटर है ना। इतने दिन बाद आ रहा मैं, तुम कह रहे पहले से बेटर है। भाई प्रीचर कल के बाद लास्ट सेट है हमारा हैमर कर्ल। हैमर डंबल करेंगे, सॉरी हैमर कर्ल करो। उसके बाद खत्म एक्सरसाइज, 4 सेट लेंगे इसके 15-15 रेपिटेशन के। और पंप बता दो भाई कैसा है डोलने में, दिख नहीं रहा ना? अभी दिखाते टी शर्ट ऊपर करके। गजब सैनी भाई, दिखाओ तुम्हारे पंप दिखाओ जरा एक बारी। चलो अरे जल्दी यार, तुम शर्माओ बहुत लोंडियों की तरह। वर्कआउट हो चुका है खत्म आज। मजा आ गया बाइसेप्स करने में, फुल मजा जिसे कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया आर्म स्ट्रेंथ हुए। ये तो देख लो भाई साहब, ये साइज अलग ही दिख रहा है सैनी भाई का। अगर ये रोज ढंग से एक्सरसाइज कर ले ना, ये कहाँ से काम हो जाए। पर भाई ये काम चलाओ वाली ये काम वो करते हैं एक्सरसाइज जल्दी जल्दी के चक्कर में। आज हमें कहीं नहीं जाना था तो वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ। 2-3 दिन से तो बहुत बढ़िया हो रहा, पर मज़ेदार। और मौसम हो रहा बड़ा सेक्सी भाई, बारिश का मौसम हो रहा। बारिश आ जाएगी तो हिसाब सही से हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी, बहुत गर्मी है। चलो भाई घर पे मिलते हैं आपको सीधा। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है घर, और भाई बाहर हम गए थे घूमने कोट रोड वगैरह साइड, तो सैनी भाई ने भाई जूस वूस पिला दिया, वहीं जूस पी लिया हमने। तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं खा रहा घर पे आके, अभी एक केला वाला खाया बस। थोड़ी देर बाद अपना कोई चूरमा और दूध वूध पियेंगे भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, टाइडनेस लग रही है और घूम गया है भाई, तो रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तुम्हारे भाई का खाना आ चुका है, और खाने में आ जाए भाई छोले चावल मटर पनीर दही और रोटी, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। होप्स आपने वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय।